आपके सभी दर्शकों को आगामी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इस बात की भी कि आपके सक्रिय रहने से, आपके सचेत रहने से लोकतंत्र मजबूत होता है। अपनी सक्रियता, अपनी चैतन्यता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। निगम में जो समस्या चल रही है, आज बात करते हैं हम आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे जी से। देखिए, दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली जो क्षेत्र है, वहाँ पे कूड़े कचरे की समस्या पैदा हुई। कचरे का निस्तारण रुक गया था, जनजीवन प्रभावित हुआ, तो दिल्ली की सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए 119 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि, कोई बकाया नहीं था, अग्रिम राशि MCD को दी ताकि कर्मचारियों की सैलरी पे की जा सके। पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पिछले 5 साल का आंकड़ा दिल्ली की सरकार ने जनता के सामने रखा, जिसमें पिछली सरकारों की तुलना में 3 गुना फंड दिया गया है, 3 टाइम्स ज़्यादा दिया गया है। सवाल ये बनता है, बीजेपी को जिसका जवाब देना चाहिए, कि जब आपके कर्मचारियों की संख्या 3 गुनी नहीं हुई, जब आपके कर्मचारियों की तनख्वाह 3 गुनी नहीं हुई, तो 3 गुना फंड मिलने के बावजूद भी आप सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे? ये पैसा आप कहाँ दे जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहा है, जब कर्मचारियों के अकाउंट में नहीं जा रहा है? तो ये कुछ एक सवाल है, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देना चाहिए। दिल्ली की जनता अब ये मान चुकी है कि बीजेपी अपने मिस गवर्नेंस की वजह से दिल्ली की MCD को फंक्शनली और फाइनेंशियली कोलैप्स कर चुकी है। आप घर के अंदर बाहर ईंट इकट्ठा गिरवाइए, लोग पैसा मांगने आ जाते हैं, आपके घर का तो छोड़ दीजिए, गली के बाहर का छोड़ दीजिए, चौराहों पे, सड़कों पे भी कूड़ा नहीं साफ हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी MCD की है, बीजेपी शासित MCD की है। तो इसका जो स्थायी समाधान है वो यही कि निगम के चुनाव में इस शहर की जनता, जैसे 2015 में बीजेपी को ब्रूम आउट किया, निगम से भी बीजेपी को ब्रूम आउट करना ही स्थायी समाधान है।